पंजाब पुलिस अटैक्शन। नमस्ते जी। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर द फर्स्ट व्लॉग रिस्पॉन्स। आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस बट सीरियसली आई एम ओवरवेल्म्ड। एंड आज फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी दशहरा टू एवरीबडी। एंड आई एम ट्राइंग टू शो यू सम साइड ऑफ जलंधर एंड कैसे मनाया जा रहा है यहाँ पे दशहरा। सब बढ़िया जा रहा है कैसे, रावण कहाँ कहाँ, प्राइम लोकेशंस पे लेकर जाऊँगा एंड आई ट्राई टू कवर मोस्ट ऑफ इट। टाइम लैप्सेस आने वाले हैं एंड रौनक मेला भी दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। साड़ते हुए दिखाऊंगा नहीं दिखाऊंगा, दैट्स अ क्वेश्चन एंड यू विल गेट टू नो फर्दर इन द ब्लॉग दैट व्हाई एंड व्हाट्स द आंसर टू दैट। सो स्टे ट्यून्ड एंड वॉच टू द एंड। थैंक यू। एंड गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब एक बारी करके जाना अगर पसंद आए ये ब्लॉग। शुक्रिया। वेलकम बैक गाइस, आ गए हैं KTM पे टू गिव यू द दशहरा वाइब्स ऑन ग्राउंड। पटाखे तो ऑलरेडी शुरू हो गए ना, मतलब वाइब आ रही है। मैं सही सिंपल बात बताऊँ ना, वाइब आ रही है। हाँ हाँ, पंजाब पुलिस टेकिंग केयर ऑफ द सिचुएशन। फर्स्ट ऑफ ऑल बता रहे हैं, हम आ चुके हैं आदर्श नगर ग्राउंड। ऑल राइट, फायर इंजन्स, गुड गुड। इधर तो इन्होंने साड़ भी दिया लग रहा है सर, बताओ। साड़ दिया है क्या, हो गया कुछ गड़बड़ हो गई है लग रहा है। ज़्यादा जल्दी नहीं साड़ दिया, बस उड़ी मची हुई है। नहीं नहीं, ऐसे कैसे साड़ दिया, ये रहे। आपको ना यहीं कहीं लगा के ना टाइम लैप्स देता हूँ, टाइम लैप्स सॉरी। गाइस आदर्श नगर की हालत देखकर तो मद्देनजर रखते हुए ना हालत को, वहाँ तो अपनी KTM उठ ही जाती। मतलब पार्किंग स्पेस ज़ीरो और जितनी है वो ऑलरेडी रोड ऑक्यूपाइड हो रखी है, तो नुकसान को डाइवर्ट करते हुए हम अपनी मेजर डेस्टिनेशन पे चलते हैं जो कि है बल्टन पार्क जलंधर। वहाँ पे रौनक मेला भी अलग और स्पेस काफ़ी है गाइस, सिंपल चीज़ है ना, ऐसी रामलीलाएं करने के लिए स्पेस चाहिए, ज़रूरी है। हाँ हाँ हाँ, आज तो ऑल रूल्स ब्रोकन। आज नहीं कोई देखने वाला कुछ। आज भीड़ इतने होने वाली है कि अभी मेरी आवाज़ सुन लो जितनी सुन पा रहे हो क्लियरली, उसके बाद तो भैया राम भरोसे रावण भरोसे। एक एंट्री ये है और एंट्री है, वहाँ पे चलते हैं पहले। छोटे होते इतना शौक होता होता था स्पेशल पापा को कह के चलो बल्टन पार्क पटाखे लेने, तब 400-500 के भी पटाखे ले लेते थे तो घर वाले कहते थे
अरे ऐसे ही 500 का नोट लेके आग लगा दिया करो, इतने पटाखे ले आए हो। पर विद टाइम चेंजेस एवरीथिंग। ये एंट्री नंबर 2। ओह, एंट्री नंबर 3 तो लग रहा है ऑलरेडी जाम हो चुकी है। गाइस पार्किंग कर दी है, लेट्स गो। माहौल तो जमकर है भैया, माहौल जमकर है। अंदर जाते रहेंगे उतना आवाज़ मेरी कम होती रहेगी, थोड़ा मैनेज कर लेना बस। दशहरा वाइब्स का मजा लो, ठीक है ना, पूरी वाइब्स सबको दिला के रहेंगे इस कंटेंट के थ्रू। तो छोटा सा कैमरा हवा में उड़ता हुआ ड्रोन कैप्चर करते हुए। रावण के पुतले बनाने में गए बहुत टाइम लगता है, महीने महीने लग जाते हैं, सब जगह ये चीज़ खड़ी हुई है। Thank you.
एक लाठी रख ली है लोगों ने, ये मेरा है, मैं नहीं दूंगा। Guys, exiting the Bolton Park. जय श्री राम हो गया आपने देख ही लिया। लोग कह रहे हैं रावण का पुतला ना मज़ा नहीं आया सड़ने में ना बस देखो मज़ा अपनी जगह है, अपने अंदर का पुतला साड़ लोगे ना तो पुतला चाहे जैसे मर्जी सड़ रहा हो अपने आप ही फुलटू मज़ा आ जाता होता, क्योंकि जब अपने अंदर का रावण सड़ चुका है तो समझ आ जाता है कि ये ज़िंदगी है क्या चीज़। कम से कम नहीं तो 1,00,000 बंदा आ रखा होगा, उससे ऊपर ही होगा। 2-4 बच्चे खो भी गए बट मैनेजमेंट अच्छा था, चारों के चारों मिल भी गए और उन्होंने अनाउंसमेंट भी किया, तो वो टाइम गया। बट फिर भी देखो गाइस इतने लोग नहीं समझ आता कौन कहाँ निकल गया, तो थोड़ा बच के रहना अपनी तरफ से, बाकी मैनेजमेंट जो इतना कर पाती है कर देती है। चार पांच लोग पूछ रहे थे व्लॉग बना रहे हो व्लॉग बना दे, मैं कह भी अरे शुरू ही किया, जो थोड़ा साथ होएगा तो जरूर एक व्लॉगर कह दियो मैनू। अंटिल आई अर्न द व्लॉगर टाइटल आई वुड नॉट लाइक द व्लॉगर टाइटल, यू नो आप लोग ही बनाओगे, मैं अपना एफर्ट डाल रहा हूँ अपनी तरफ से। जल्दी आपके लिए एक तगड़ी वीडियो आने वाली है, संगम वीडियो, देवप्रयाग संगम तो आप लोगों ने देखा ही होगा, आपको संगम पंजाब में दिखाएंगे। ओ देखो अभी भी चौंकियां निकल रही हैं एक चीज़ बताना चाहूँगा गाइस, चाहे हम बड़े हो गए हैं काफ़ी लोग इंटरेस्ट लूज कर देते हैं ऐसी चीज़ों में कि क्या जाना दशहरा देखना, बट ऑनेस्टली टेलिंग कि
जो उधर सिनर्जी होती है ना, जो एक कलेक्टिव वाइब होती है लाखों लोगों के बीच, और ऐसा फेस्टिवल मनाना जो कि सालों से चलती आ रही है प्रथा, जय श्री राम का नारा सुनते ही मतलब अंदर ऐसा ऑनेस्ट ओपिनियन बताऊं तो रूह जाग चुकी है, रूह जाग चुकी है सीरियसली ना। तो इन सब चीज़ों में बहुत पावर होती है, जो उधर रहेगा और एक्चुअली एक्सपीरियंस फील कर पाएगा उसी को पता है। और बच्चे की क्यूरियोसिटी देखो ज़रा, बच्चा एकदम सोच रही है बेचारी ये चल क्या रहा है यहाँ पे। ये इनोसेंस अगर ज़िंदगी में होल योर लाइफ यू कैन कैरी ना, ऑल योर लाइफ, देन यू कैन काउंट इट एज अ वर्थफुल लिविंग। और लो ठुग्गी ठुग्गी, VIP मोमेंट। जिसको भी कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में ड्राइविंग टेस्ट जिसका पास नहीं ना, और एक बार ही आके यहाँ चला लो, बस पास ही पास है। और ये दिखा देना एज अ प्रूफ ना कि हमने ऐसे चला रखी है और सक्सेसफुली बिना ठोका ठाकी चलानी है। ये नहीं पीछे से ठुग्गी आगे से ठुग्गी, ना 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 ना, सक्सेसफुली चला ली तो मैं बता रहा हूँ एज अ प्रूफ दिखा देना सब पास है। वो देखो टायर टू टायर कट मार रहे हैं, वाह वाह। मैं भी पायलट लिखवा लेता हूँ अपनी बाइक के आगे ना, किसी तरह के पायलट तो बन जाए। हाँ वही तो चीज़ है, अब गाइस देखो अब मत कहना कि रौनक मेला नहीं दिखाया। अभी तक मैंने अपने यूट्यूब की कोई भी ब्रांडिंग नहीं की है, कोई स्टिकर्स नहीं, कोई कुछ नहीं। मैं अपने आप को पहले प्रूफ करना चाहता हूँ कि ना ये चीज़ कर सकता हूँ, और करके दिखा के फिर ही ब्रांडिंग शुरू होगी गाइस। अभी कोई पूछ भी रहा है ना तो भी मैं बता नहीं रहा हूँ कि कौन सा चैनल है भैया, कौन सा है, कहाँ चला रहे हो, कहाँ डाल रहे हो, कहाँ दिखेंगे हम TV पे। ऐसा भी कुछ नहीं, जो सैटरडे को वीडियो शूट होने जा रही है उसके बाद YouTube ब्रांडिंग ज़रूर से आ जाएगी। जब हाईवे पे भी जाम लग जाए तो समझ जाना त्योहार चल रहे हैं या कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गया आगे। तो माय बेस्ट केस इज दिस इज़ द फेस्टिव रश। ये क्या हो गया, एक्चुअल में कुछ हुआ है, क्या कर रहा है? ये कर क्या रहे हैं ये पता नहीं, समझ नहीं आया ब्रो, कोई बात नहीं।